तो ये है प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा। तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। अब तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। फिलहाल अभी बज रहे रात के 8 और अब मैं जा रहा हूँ रामलीला देखने, क्योंकि आज की रामलीला होने वाली है बहुत ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और खतरनाक। तो आने वाला बड़ा मजा, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्लान। तो आज से शुरू हो चुके नवरात्रे मैया के। तो फिर अब डेली जो है मम्मी बहन पापा जी समझ सबके साथ जो है अब डेली ही 9 दिन जो है मैया की सेवा करेंगे। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। पूजा हो चुकी है कम्प्लीट, बस मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि फिर मुझे जाना रामलीला देखने। क्या था फिर मैं किस टाइम फ्री हूँ कब नहीं। तो फिर रामलीला में जो सब कलाकार जो कला प्रदर्शन निभा रहे हैं ना, उन सबकी लगी हुई है यहाँ तस्वीरें। और ये है वो रामलीला का गेट जहाँ से हमारी एंट्री होगी अंदर जाने के लिए रामलीला के लिए। कितना ज्यादा बड़ा जनमंच लगा हुआ है रामलीला का। अब ये नारा बहुत जोरदार लगना चाहिए, जयकारे वीर बजरंगी। आप रामलीला से संबंधित प्रश्न आपसे पूछते हैं, जो बच्चे आज के सारा दिन मोबाइल या कंप्यूटर में रहते हैं, मुनियों पर राक्षसों का अत्याचार हो रहा था, तो राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलवाने के लिए कौन भगवान विष्णु जी के पास गया था। तो रामलीला का सेटअप जो है लगा हुआ है गुरुद्वारे रोड पे रेलवे स्टेशन के पास। तो आज होने वाला है माँ ताड़का का वध। तो फिलहाल तो अभी चल रहा है डांस अघोरी बाबा जी का। पूरा फुल स्वैग के साथ लो जी पहली एक्टर आ चुकी है वीराना मूवी की, सबसे खतरनाक डायन वीराना मूवी की। इन्होंने तो सॉन्ग भी बड़ा जानदार लगाया, बड़ा ही मतलब ड्रामा सॉन्ग लगाया। आओ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कपल आए हैं अब इस टाइम आत्माओं वाले। तो फिलहाल आ चुके सबके लिए आरती, सब भक्तों के लिए। तो फिलहाल आप ये चला रखा है इन सबने बैकग्राउंड म्यूजिक भोले बाबा वाला। बट लेकिन जब हम आए थे तब थे यहाँ पे करीबन 1000 बंदे, लेकिन अब है करीबन 5 से 6 हजार मेंबर, करीबन यहाँ 7 हजार मेंबर या 8 हजार मेंबर। जितना छोटा उतना ही मोटा। तो फिर आ चुकी है माँ ताड़ का दूसरा रूप लेके। तो इस टाइम माता आगे के रूप को देखने के लिए सारी पब्लिक हो चुकी है खड़ी, क्योंकि ये है उनका सेकंड रूप।
कितना ज्यादा ड्रामा, कितना ज्यादा खतरनाक रूप है। तो अब आने वाली है कंचना दोबारा, शायद ऊपर से आएगी आपकी बार। तो ये है माता रानी का तीसरा रूप। तो इस ताबूत के अंदर है माता रानी का। तो फाइनली रात्रि बज चुका है 1:30 और इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप सब आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर माय वॉचिंग एंड बाय।